साथियों नमस्कार, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज जो हम लोग बात करेंगे वो है हजार्ड आइडेंटिफिकेशन टेक्निक। हजार्ड आइडेंटिफिकेशन टेक्निक का मतलब होता है कि इंडस्ट्री में पाए जाने वाले जो भी जोखिम है या ऐसी स्थिति जिसकी वजह से दुर्घटना हो सकती है, उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग कई तरह के मेथड का इस्तेमाल करते हैं, कई तरह के टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, और उसी को हजार्ड आइडेंटिफिकेशन टेक्निक कहा जाता है। हजार्ड आइडेंटिफिकेशन टेक्निक कुछ प्रोएक्टिव होते हैं, कुछ रिएक्टिव होते हैं। प्रोएक्टिव का मतलब हो गया कि कोई दुर्घटना घटने के पहले हम लोग हजार्ड को वर्क प्लेस पे फाइंड आउट कर लेते हैं और इफेक्टिव कंट्रोल मेजर ले लेते हैं और दुर्घटना को रोक देते हैं। वैसे ही रिएक्टिव अप्रोच का मतलब होता है कि हम लोग समय पे हजार्ड को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए और उस जोखिम की वजह से कोई दुर्घटना हो गई, तो हम लोग क्या है कि उसको हम लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं, रूट कॉज को फाइंड आउट करते हैं और फिर क्या है इफेक्टिव कंट्रोल मेजर लेते हैं ताकि सिमिलर एक्सीडेंट फ्यूचर में नो हो। तो हजार्ड को जो हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं तो कुछ प्रोएक्टिव अप्रोच होते हैं और कुछ रिएक्टिव अप्रोच होते हैं। तो कई तरह के टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है वर्क प्लेस पे हजार्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए, इंडस्ट्री से हजार्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो जो टेक्निक है वो फॉलोइंग है, यानी निम्न टेक्निक है, इस पे हम लोग अब बात करेंगे। फर्स्ट जो हम लोगों का है सेफ्टी इंस्पेक्शन, सेकेंड है चेकलिस्ट बेस्ड इंस्पेक्शन, थर्ड है हजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट टेक्निक, इसको हीरा भी कहा जाता है। फोर्थ है जॉब सेफ्टी एनालिसिस, शॉर्ट में जेएसए बोलते हैं। फिफ्थ है सेफ्टी ऑडिट। सिक्स्थ है सेफ्टी सर्वे। सेवन है एक्सीडेंट इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन। एट है हजार्ड ऑपरेबिलिटी स्टडी, जिसको हजॉप भी कहा जाता है। नाइन्थ है फॉल्टी एनालिसिस, एफटीए भी कहा जाता है शॉर्ट में। टेंथ है इवेंट एनालिसिस, इसको शॉर्ट में ईटीए भी कहा जाता है। अलेवन है इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग। ट्वेल्व है सेफ्टी सैम्पलिंग। थर्टीन है सेफ्टी टूर्स। 14 है व्हाट इफ एनालिसिस। 15 है फेल्योर मोड इफेक्ट एनालिसिस। 16 है कंस्ट्रक्शन हैजार्ड एनालिसिस। 17 है ऑपरेशनल हैजार्ड एनालिसिस। और 18 है प्रिलिमिनरी हैजार्ड एनालिसिस। जैसे ऑपरेशनल हैजार्ड एनालिसिस को OHA बोलते हैं, प्रिलिमिनरी हैजार्ड एनालिसिस को PHA बोलते हैं, कंस्ट्रक्शन हैजार्ड एनालिसिस को CHA बोलते हैं। तो जो हैजार्ड को आइडेंटिफाई करने के तरीके थे वो इस तरह हैं: सेफ्टी इंस्पेक्शन, चेकलिस्ट बेस्ड इंस्पेक्शन, हजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट टेक्निक, जॉब सेफ्टी एनालिसिस, सेफ्टी ऑडिट, सेफ्टी सर्वे, एक्सीडेंट इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन, हजार्ड ऑपरेबिलिटी स्टडी, फॉल्ट एनालिसिस, इवेंट एनालिसिस, इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग, सेफ्टी सैम्पलिंग, सेफ्टी टूर, व्हाट इफ एनालिसिस, फेल्योर मोड इफेक्ट एनालिसिस, कंस्ट्रक्शन हजार्ड एनालिसिस, ऑपरेशनल हजार्ड एनालिसिस, प्रिलिमिनरी हजार्ड एनालिसिस। तो ये हजार्ड को आइडेंटिफाई करने के तरीके थे। अब अगले सेशन में हम लोग एक एक हजार्ड को आइडेंटिफाई करने के टेक्निक को लेंगे और उसको डिटेल में बात करेंगे। तब तक आप सभी से रिक्वेस्ट है साथियों कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।